यहाँ पे जो है सिंपल सा, ये जो है A1 से A3 यानी ये मीटर जो है 300 एम्पीयर का यहाँ पे लगा हुआ है मेजर करने के लिए। तो न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट इसमें तीनों में कनेक्टेड है। और इसका जो है अगर आप लोग देखेंगे जो मेन फ्यूज आप लोग देखें 11 आ रहा है, उसके बाद दूसरा जो है आप लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, फिर ये 31 है, फिर न्यूट्रल है, फिर ये 95 नंबर जो आ रहा है, उसके बाद ये जो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है मल्टी फंक्शन मीटर है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैं इस पे जो है एक वीडियो बनाया था, तो एक भाई का कमेंट था कि वायरिंग डायग्राम चाहिए, यानी इसका जो वायरिंग है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये और ये नीचे जो है कनेक्शन हुआ है, तो इसका भाई का कमेंट था कि वायरिंग डायग्राम चाहिए, कि वायरिंग डायग्राम पे आप वीडियो बनाइए ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो मैं जो है इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे कनेक्शन हुआ है, मैं आप लोग को ड्राइंग के साथ जो है दिखाने वाला हूँ, ड्राइंग के साथ दिखा के बताऊँगा, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो वायरिंग है वही जो है हम लोग देखेंगे, इसका वायरिंग डायग्राम जो है कैसे हुआ है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तो मैं आप लोग को ड्राइंग के साथ जो है इसका वायरिंग बता रहा हूँ। तो इसका वायरिंग डायग्राम जो है अगर आप लोग सिंपल से देखेंगे, तो ये जो है हमारा क्या है मल्टी फंक्शन मीटर है। तो इसमें अगर आप लोग कनेक्शन देखेंगे तो मल्टी फंक्शन मीटर में या कहीं भी ये मीटर वगैरह जो है लगा रहता है, तो उसमें जो है एम्स को मेजर करने के लिए आप लोग कहीं भी जाएंगे तो क्या होता है सीटी लगा रहता है, यानी सीटी के थ्रू ही क्या होता है हम लोग जो है जो करेंट होता है उसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये जो है 90 नंबर ये ग्राउंड किया हुआ है, और ये जितना भी है अगर आप लोग देखेंगे ये टीवी का टर्मिनल है, आप लोग देख सकते हैं एक्स से वन का, वन से फाइव यानी 5 टीवी है, उसी में ये जो है आप लोग देख सकते हैं कनेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो सीटी लगा हुआ है, 1 2 3 तीनों फेज के लिए सीटी लगा हुआ है। और सीटी में क्या होता है कि सीटी लगाने के बाद में उससे एक फेज और एक न्यूट्रल निकलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहला सीटी ये है, तो इस सीटी का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जो है ये फेज वहाँ से करंट मेजर करने के बाद D10 में आ रहा है, D10 TV में आ रहा है, और इसके बाद ये न्यूट्रल जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पर जा रहा है, फिर इसका न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते शॉर्ट किया हुआ है, फिर इसका न्यूट्रल जो है सेट जो है पूरा शॉर्ट है, यानी ये न्यूट्रल जितना भी है तीनों का निकलने के बाद आप लोग देखेंगे 70D में जा रहा है, यानी ये न्यूट्रल का है पूरा जो है इसमें शॉर्ट करके लूप किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और 70D है एक TV यहाँ से जो है कहाँ पे चला जा रहा है अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा एक जो है ये मीटर जो है लगा हुआ है वहाँ पर चला जा रहा है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये मीटर लगाया हुआ है डिस्प्ले पे एनालॉग, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्प्ले पे देखने के लिए। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा, ये जो है A1 से A3 यानी ये मीटर जो है 300 एम्पीयर का यहाँ पे लगा हुआ है मेजर करने के लिए। तो न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट इसमें तीनों में कनेक्टेड है। और इसका जो है अगर आप लोग देखेंगे जो मेन फेज होता है सीटी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है यहाँ पर आया हुआ है ए मीटर में, फिर दूसरा जो है आप लोग ये 10 का, एक 30 का, एक जो है 50, आप लोग देख सकते हैं ये TV से के 51 और ये 31 और 11 तीनों जो है ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है उसमें लग रहा है, ये टर्मिनल पे लग रहा है। और यहाँ से आने के बाद अगर देखेंगे तो IL का 1K, फिर उसके बाद में IL का 1 का L। तो इसमें सिंपल सा क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे 51 डाल रहे हैं जो यहाँ से एक टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल से जो है 52 नंबर निकाल के एम मीटर में डाल रहे हैं, फिर यहाँ पर 31 डाल रहे हैं जो IL2 के में डाल के फिर यहाँ से जो है L में आउट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं वैसे जो है ये आ रहा है। तो ये जो है एमीटर का कनेक्शन है। वैसे सेम अगर आगे देखेंगे तो क्या हो रहा है इसमें कम्युनिकेशन के लिए BMS में भेजने के लिए आप लोग देखते हैं B1 और B+ यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे A और A+ जो है ये भी क्या है हमारा कम्युनिकेशन का पोर्ट है, जो हम लोग यहाँ से कम्युनिकेशन लेके BMS SCADA में जो है इसका पूरा पैरामीटर जो है देख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। फिर इसमें जो है वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो हमारा मेन ब्रेकर है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे MCCB लगा हुआ है, तो MCCB में इसका जस्ट बाद अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है कि 3 फेज 1 न्यूट्रल आप लोग देखेंगे 70 नंबर न्यूट्रल है, 12 और 32 52 ये क्या है फेज है रेड येलो ब्लू आप लोग देख सकते हैं। तो ये तीनों फेज जो है क्या हो रहा है कि 12 नंबर 32 और 52 ये फ्यूज के थ्रू CF4 से लेकर 6 तक यानी 3 फ्यूज जो है लगाया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे E12 32 52 70 70 जो है न्यूट्रल है, इसमें भी आप लोग को मिला इसमें भी मिला, तो ये जो है क्या हो रहा है कि तीनों फेज जो है आप लोग देखेंगे 13 33 53 72 यहाँ निकल रहा है,
तो ये फ्यूज के थ्रू क्या हो रहा है, 4 एम्पियर का CF4 से लेके CF6 तक फ्यूज है, उससे जो है सप्लाई लेके अगर आप लोग देखेंगे V1 V2 V3 में जा रहा है, और ये जो है न्यूट्रल है, यानी वोल्टेज का न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसका टर्मिनल जो है नीचे 4 मिलेगा आप लोग को, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और इसी से क्या है, रेड येलो ब्लू में आप लोग देखेंगे सप्लाई चला गया है, इंडिकेशन जो है हमारा रहता है पावर का उसका। तो हम लोग इसका जो है कनेक्शन देख लेंगे, सिंपल सा इसका कनेक्शन है, इतना ही इसमें जो है टर्मिनल है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जैसे अगर वहाँ पे आप लोग देखें, ये 70 नंबर न्यूट्रल है, और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है अभी इसमें पावर है, इसको टैग को मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं 70 नंबर एक है, और ये 50 नंबर आप लोग देख सकते हैं ब्लू का है। वैसे इसमें क्या होगा कि एक जो होगा 10 नंबर होगा, और एक जो होगा 30 नंबर होगा, जैसे वहाँ पे आप लोग देखें। तो यहाँ से जो जा रहा है वो टीवी में जा रहा है, आप लोग देखें X1 का टीवी जो था यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे X1 का 1 से 5, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही आया D10, D30, D50 और D70 आया हुआ है। और एक जो है आप लोग देखें उसमें जो था ग्राउंड का था, ये आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड है, अर्थिंग है। तो वही जो है टीवी से आप लोग वहाँ पे देखें निकल रहा था, कहाँ पे ये जा रहा है, D11, 31, 51, 71 और यहाँ पे 71 आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल है। तो यहाँ से न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते हैं डाला हुआ। तो ये जो है कहाँ पे जा रहा था, वहाँ पे देखें कि मल्टी फंक्शन में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जा रहा है मल्टी फंक्शन मीटर में, लोग देख सकते हैं 11 में जा रहा है। फिर उसके जस्ट सामने आप लोग देखे हैं कि ये IL1 का K था, और ये जो है IL1 का 1 है। तो यहाँ पे 11 डाल के ये 12 नंबर जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये एमीटर लगा हुआ है, इसमें जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर डाल, ये हो गया। फिर 31 डाल के 32 नंबर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे पहला जो है 12 नंबर आप लोग देख सकते हैं आ रहा है। फिर वैसे जो है 21 नंबर यहाँ से डाला जा रहा है, और यहाँ से 32 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे वो ये दूसरा में जा रहा है। फिर वैसे जो है आप लोग देखेंगे 51 नंबर डाल के 52 नंबर जो है यहाँ पे जा रहा है, और इसमें A1 A2 A3 अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल जो है 71 नंबर 71 नंबर 71 नंबर आ रहा है। न्यूट्रल जो है डायरेक्ट जो था हमारा यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से 70 एंट्री होके आउट जो है 71 हो रहा है। तो ये जो है पूरा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं 71 न्यूट्रल, ये ब्लैक का 71 71 जो है पूरा कनेक्टेड है, तो इसमें न्यूट्रल जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे जो है एक हमारा जो है यहाँ से जो है आप लोग देखें सिटी से जो है एंट्री हो रहा है, एक 11 12 जो है इसमें एक में कनेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सा ये आप लोग समझ में आ गया। फिर नीचे का अगर आप लोग देखेंगे तो इस पर जो है पूरा दिया हुआ डिटेल, जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फेज और न्यूट्रल है सिंगल फेज रेड और जो हमारा ब्लैक जो है ये न्यूट्रल हम लोग डाल रहे हैं। तो ये जो है यहाँ से आप लोग देखेंगे इसी में से जो है लूप कर दिया हुआ है, ये जो हमारा MFM मीटर है इसको ऑन करने के लिए ये यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे L1 L2 L3 में ये E13 33 और 53 जो है ये आया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्या था। ये हमारा जो आप लोग ड्रॉइंग में देखे कि CF4 से लेके CF6 तक, तो फ्यूज अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 4 5 6 आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर है, लेकिन ये जो है एक्चुअली में ये जो है लूप किया हुआ है 12 नंबर से। अगर आप लोग देखेंगे ये 12 नंबर से है, इसमें लूप किया हुआ है, तो एक्चुअली में ये 12 और ये जो है 32 और 52, ये तीनों है रेड येलो ब्लू, यही जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देखें इस ऊपर जो है 19 है, लेकिन नीचे 13 नंबर आउट हो रहा है, 13 33 53, और एक जो है ये न्यूट्रल अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है न्यूट्रल का आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल 1 2 है, तो एक आप लोग देखें 70 नंबर डाल के यहाँ से 71 नंबर न्यूट्रल जा रहा है। तो यहाँ से जो है आप लोग ड्राइंग में भी देखें ये कहाँ जा रहा है, हमारा जा रहा है L1 L2 L3 यानी वोल्टेज के लिए यूज कर रहा है, और ये आप लोग देखेंगे A+ B+ ये कम्युनिकेशन का, फिर यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन BMSS का में हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक SMDB का पैनल है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए मीटर यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जो है अगर आप लोग देखेंगे MFM मीटर लगा हुआ है। तो इसका जो वायरिंग है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे वहाँ पे आप लोग क्या देखें कि यहाँ पे जो मान लीजिए कोई भी इसमें से हम लोग ले सकते हैं, तो ये करेंट का है आप लोग देखेंगे D9 11 D9 31 और ये जो है आप लोग देखेंगे 21 में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, फिर 95 यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे 97 दिख रहा है। तो इसमें जो है थोड़ा सा जो है आप लोग को डिफरेंट दिख रहा होगा इसमें
आप लोग वहाँ पे जैसे देखे वैसे नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। तो डिफरेंट इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें 11 आ रहा है, उसके बाद दूसरा जो है आप लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रल है, फिर ये 31 है, फिर न्यूट्रल है, फिर ये 95 नंबर जो है आ रहा है, उसके बाद ये जो है न्यूट्रल है। तो इसमें एक न्यूट्रल यूज किया जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रल जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 71 नंबर है, फिर इसमें भी देखेंगे 61 नंबर है, इसमें 101 है, इसमें 71 नंबर है, इसमें 71 नंबर है। तो ये जो है न्यूट्रल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि अगर हम लोग को जहाँ पे जो एमीटर जो एनालॉग्स जो है अगर नहीं लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक जो है हमारा सीटी से जो आएगा फेज और न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल हम लोग डाल के इसमें लूप करेंगे, और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें सप्लाई और न्यूट्रल ये MFM को ऑन करने के लिए, फिर उसके बाद ये न्यूट्रल है, फिर ये जो है वोल्टेज के लिए तीनों रेड येलो ब्लू, और ये न्यूट्रल है। सिंपल सा है, इसमें जो है अगर कम्युनिकेशन का है जैसे सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग जो है ये आप लोग को दिखेगा। मैं आप लोग को ड्रॉइंग भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप लोग ड्रॉइंग देखेंगे तो सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सिटी का एक एक फेज आप लोग देख सकते हैं आ रहा है, और न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से तीनों का शॉर्ट करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IL1 IL2 IL3 में यहाँ पे, यानी तीनों जो है आप लोग देखे उसमें लूप किया हुआ था, यहाँ भी लूप है, यहाँ भी लूप है, आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज एक एक आ रहा है। और वोल्टेज का आप लोग देखें कि एक जो है V1 में आप लोग देख सकते हैं एक न्यूट्रल डाला हुआ है यहाँ पे, एक जो है और आप लोग देखेंगे ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल और सप्लाई सिंगल फेज जो था आप लोग देखो उसमें टर्मिनल था, हम लोग इसको ऑन करने के लिए डाले हैं, और एक न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं VN में आ रहा है, और V1 V2 V3 में थ्री फेज आप लोग देख सकते हैं इसी सप्लाई से फ्यूज के थ्रू लिया हुआ है। सिंपल सा है, पूरा जितना भी है MFM पूरा का कनेक्शन ऐसे ही हुआ, वायरिंग जो है सेम रहता है, क्योंकि टर्मिनल ये जो है सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोग को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इस MFM मीटर के बारे में आप लोग को पता चला होगा कि इसका जो है वायरिंग कैसे किया जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।